हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू वावा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू, दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है और टर्म एंड एग्जामिनेशन के साथ हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जुड़ा होता है जिसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ असाइनमेंट के बारे में, कहाँ से आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर को, और किन किन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, और असाइनमेंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है जिसका लिंक है ignu.ac.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो होम पेज पर ही आपको बहुत सारे टैब दिखेंगे। एक रिजल्ट का टैब होगा, एक डाउनलोड का टैब होगा, ई ज्ञान कोर्स, पॉडकास्ट, ठीक है। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो टैब है वो है डाउनलोड्स का। डाउनलोड वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड्स के ऑप्शन आ जाएंगे। चौथे नंबर वाले लिंक को क्लिक करना है जिस पे लिखा है असाइनमेंट। असाइनमेंट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। अगर आप इग्नू के एक नए स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही जानना मतलब इम्पोर्टेंट है कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट असाइनमेंट की कौन सी है। यहाँ से इन्होंने बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को सेग्रीगेट कर रखा है। लाइक मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट एंड अप्रिसिएशन प्रोग्राम। अब आपको चेक करना है कि आपका प्रोग्राम क्या है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेना चाहता हूँ बैचलर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए जितने भी असाइनमेंट हैं वो ओपन हो चुके हैं। अब आपको चेक करना है कि आपका प्रोग्राम क्या है। लाइक आपका कॉमर्स है, आपका आर्ट है या फिर आपका साइंस है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बीए का, ठीक है। यहाँ पर मैंने बीए सर्च कर लिया, ठीक है, बीए ओपन कर लिया है। बीए के जितने भी सब्जेक्ट है बैचलर ऑफ आर्ट के यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि इस इतने बड़े लिस्ट में आप अपने प्रोजेक्ट को ढूंढोगे कैसे। तो सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल एफ दबाना है। अगर आप इसको डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हो, लाइक अभी मैंने इसको लैपटॉप पे ओपन किया है, अगर आपने इसको फोन में ओपन कर रखा है वीडियो को, तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इस मतलब जो तीन डॉट दिखेंगे ना आपको क्रोम में, इस तीन डॉट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा। देखिए मेरे इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल एफ दबाने पे। आपके में फाइंड का नहीं, आप में सर्च का ऑप्शन आएगा। उस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिंपली क्या करना है, अपने मतलब अपने सब्जेक्ट का कोड लिखना है। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट कोड के लिए अपने प्रोजेक्ट मतलब असाइनमेंट को डाउनलोड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ BRPA, ठीक है। देखिए BRPA के जितने भी कोड है ना यहाँ पर 101, 102 जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरीके से इतने बड़े आप फाइल में इतने बड़े कोड के अंदर अपने सब्जेक्ट कोड को आप ढूंढ सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चैनल बनाया है, ठीक है, जिसमें मैं इग्नू के जितने भी सॉल्व असाइनमेंट है ना इसको आप ओपन कर सकते हो। सिंपली आपको मेरे इग्नू बाबा वाले चैनल पर विजिट करना होगा, चैनल्स में जाना होगा, फिर ओपन करना होगा यहाँ पर इग्नू फ्री सॉल्व असाइनमेंट। इस वाले चैनल को ओपन करते ही आपको यहाँ पर इग्नू के जितने भी सॉल्व असाइनमेंट है वो मिल जाएंगे। अगर आपका असाइनमेंट इसमें नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ओपन करना है। आपको टेलीग्राम ओपन करने के बाद मेरा ग्रुप बहुत ईजिली मिल जाएगा। सिंपली सर्च करना है इग्नू बाबा जी, सबसे टॉप पे जो ग्रुप आएगा उसको ओपन करना है। उसमें अपने क्वेश्चन पेपर को भेजना है। क्वेश्चन पेपर मतलब सेंड करते वक्त आपको एक हैशटैग लगाना है, इग्नू असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये हैशटैग लगाने के बाद उसमें आप सेंड कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किसी ने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, और मैं उस क्वेश्चन पेपर को ओपन करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, और यहाँ पर पीडीएफ के मतलब इस तरह पीडीएफ तो देख सकते हो आप। इसमें मैंने इग्नू बीएड सेकेंड ईयर BES 127 का सोल्ड असाइनमेंट अपलोड किया है। बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन के आंसर को अपलोड किया, और आंसर बहुत ही कस्टमाइज और मतलब वेल डिफाइंड है, ठीक है। आपको ये आंसर आई थिंक बहुत ही कम मतलब ना के बराबर ऐसा होगा कि ये आंसर आपको कहीं और मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो प्रोसीजर बताया इस तरीके से आप अपने असाइनमेंट के आंसर को पा सकते हो, ठीक है। अब तो ये बात हुई असाइनमेंट के आंसर के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है क्यों। देखिए असाइनमेंट जो है ना वो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है, जो आपका एग्जामिनेशन और असाइनमेंट है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने किसी सब्जेक्ट के लिए
अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करोगे तो उसका एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो वहां पर एक डिस्क्लेमर आपको दिया रहता है जिसमें ये लिखा रहता है कि क्या आपने जो अभी सब्जेक्ट चूज किया है एग्जाम फॉर्म में उसके लिए आपने अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है या नहीं। अगर नहीं सबमिट किया है तो हो सकता है कि आप अपने एग्जाम को देकर आ जाओ, लेकिन बाद में जब ये पता चलेगा कि आपने इस सब्जेक्ट के लिए अपने असाइनमेंट को सबमिट ही नहीं किया है तो आपका जो एग्जाम है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मतलब क्लियर हो गया होगा कि जो असाइनमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करोगे तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, यानी असाइनमेंट और एग्जाम आपस में लिंक है। अब देखिए यहाँ पर जो असाइनमेंट है वो अपडेटेड असाइनमेंट है, जुलाई 2023 जनवरी 2023। अब मैं एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मतलब उनका असाइनमेंट सबमिट होना था मतलब जून 2023 में, लेकिन जून 2023 तो चला गया और जून 2023 वाले मतलब असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी हट गया वेबसाइट से, तो अब क्या करें। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाम और असाइनमेंट लिंक है आपस में, तो आपने अगर मतलब जून 2023 में अपने एग्जाम को नहीं दिया तो अब किस कहाँ दोगे, मतलब दिसंबर 2023 में दोगे, और दिसंबर 2023 में जब आप दोगे तो उसके लिए जो आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा वो लेटेस्ट वाला असाइनमेंट सबमिट करना होगा जो वेबसाइट पे है, क्योंकि जब आप लेटेस्ट एग्जाम दे रहे हो मतलब जो अभी एग्जाम दोगे वो लेटेस्ट है दिसंबर 2023 का, उसके लिए क्वेश्चन पेपर भी ऐसा तो नहीं है कि जून 2023 वाला क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, नहीं ना। तो आपको असाइनमेंट भी वही सबमिट करना है जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट जो भी आपके वेबसाइट मतलब जो भी आपके कोर्स कोड के लिए प्रोग्राम कोड के लिए अवेलेबल मतलब असाइनमेंट है वो आपको सबमिट करना है। यहाँ पर जुलाई 2023 जनवरी 2023 सेशन के असाइनमेंट अवेलेबल हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये जो असाइनमेंट बनाओगे दिसंबर 2023 और जून 2024 दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए वैलिड होगा, क्योंकि जो ये जो असाइनमेंट है उसका सेशन क्या है जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सेशन, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है कोई डाउट रहता है असाइनमेंट के बारे में आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मतलब वहाँ पर अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।